मुझे आप सब लोग जानते हैं, आप सबके चेहरे भी जाने पहचाने हैं, मगर जो हमारी साइट है, जब भी आप तो यहाँ पे तशरीफ लाते हैं, हमारी कोशिश होती है कि आप उसको ना पहचाने, आप उसको डिफरेंट तरीके से देखें और आपको हर दफ़ा डिफरेंट नज़र आए, आप समझें कि ये कौन सी साइट पे हम आ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी कोशिश जो है वो उसमें हम कामयाब हुए होंगे, और जब आप एंटर हुए होंगे इंटरचेंज पे, तो आपको काफ़ी पहले से, जो एक हफ्ता पहले या 10 दिन पहले आप तशरीफ लाए थे, आपको चेंज नज़र आई होगी। क्या ख्याल है, हाथ खड़े करें जिन्होंने चेंज देखी है। थैंक यू वेरी मच। इस कोशिश में मेरे साथ ब्रिगेडियर फलक शेर, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं यहाँ के, उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा, आपकी तरफ से भी, अपनी तरफ से भी। उनकी बड़ी एफर्ट है माशाल्लाह, दिन रात एफर्ट कर रहे हैं। उनके साथ हमारे असगर साहब हैं, डिप्टी जनरल मैनेजर कोऑर्डिनेशन, अभी ये जनरल मैनेजर हो रहे हैं, ये प्रोजेक्ट वन जो है उसके इंचार्ज होंगे, और जहाँ हम खड़े हैं ये प्रोजेक्ट वन का हिस्सा है, ये असगर साहब ये देखेंगे इसको इंशाल्लाह एज ए जनरल मैनेजर वर्क्स। और आज तक जो हमने प्रोग्रेस अचीव की है पिछले 2 माह में, इंटरचेंज की और ये हमारा जो लेक व्यू कमर्शियल है जहाँ आप देख के आए हैं रास्ते में, आज स्पॉट हो रही है वो, और प्लस ये एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में हमारे जनरल मैनेजर वर्क्स हैं कर्नल एजाज अहमद, मेरे साथ खड़े हैं। ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे DHA फेज 5 में हमारे साथ, हमारे इंचार्ज थे, तो ये इनकी बड़ी एफर्ट है माशाल्लाह, इनकी टीम ने, इन्होंने बड़ी एफर्ट करके आप के लिए ये मौका फराहम किया है कि आप आएँ यहाँ देखें और चेंजेस को महसूस करें। और आपके जो साथी हैं, आपके जो वर्कर हैं, आपके जो मेंबर्स हैं और क्लाइंट हैं, उन तक अपनी जो भी ख्यालात हैं वो पहुँचाएँ। और मुझे, मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूँ जब मैं आपको देखता हूँ, क्योंकि देखिए आपके चेहरों पे जो रौनक है या हंसी है वो देख के फिर हमारा दिल मुतमईन होता है। अगर आपके दिल उदास होंगे, चेहरे उदास होंगे, तो ज़ाहिर है फिर हम भी आपके साथ उदास होंगे। मैं देख रहा हूँ कि आज सब लोग बड़ा खुश हैं, उदास नहीं है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के हालात जो हैं वो जिस तरह मुजीब सब अक्सर कहते हैं कि जब से हम होश आई ऐसे ही हैं, वो आजकल कुछ ज़्यादा वर्स हालात नज़र आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अगले 2-3 महीनों में ये हालात काफ़ी बेहतर होने वाले हैं। अल्लाह ताला से दुआ भी है, आप सब भी दुआ करते होंगे, हम सब दोबारा दुआ करते हैं, बार बार दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में इस्तकामत इस्तहम पैदा करें, और हम सब जो है यहाँ पे अच्छी, और हमारे बच्चे और हमारे जो बाकी बहन भाई हैं, पुरसकून ज़िंदगी गुजारने की हमें अल्लाह ताला तौफीक दे। अभी मैं सिर्फ 2 बातें करूँगा, एक तो लेक व्यू कमर्शियल जो आप देख के आए हैं, हालांकि आज इकट्ठे तो हम एग्जीक्यूटिव ब्लॉक लिए हुए हैं, मगर ये साथ रास्ते में आपने देखा होगा, अभी 3 महीने पूरे नहीं हुए, 3 महीने पूरे होने में कुछ दिन बाकी हैं जब लॉन्च किया था मुजीब साहब ने। उस लॉन्च के बाद फिर उसका रिस्पांस देख के हमने काम शुरू किया था, जो कि आज तकरीबन 1.5-2 महीने से काम शुरू किया हुआ है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जो नीचे अंडरग्राउंड जो सर्विसेज हैं वो सारी बिछाने के बाद फर्स्ट रोड जो है हमारी, उसके स्पॉट भी हो रही है, और ये स्पॉट अभी भी देख के आए होंगे, अभी स्पॉट शुरू है, और 25% रोड जो है अभी रेडी फॉर स्पॉट है। और इंशाल्लाह अभी लास्ट टाइम भी हमने अनाउंस किया था कि अगर कोई साहब आपके तरफ से जो विला बनाना चाहते हैं, कमर्शियल अपने प्लाजा वगैरह, वो बना सकते हैं, 100% एरिया रेडी है, अभी सिर्फ स्पॉट बाकी है और कार पार्किंग जो टाइल लगनी है बाकी है, और वो इंशाल्लाह हम जैसे ही कोई बंदा अप्लाई करेगा आप में से, तो हम इंशाल्लाह आपको फ़ौरन प्लॉट खाली करके आपको हैंड ओवर करेंगे। दूसरे बात, जो अहम बात आज करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम था हमें एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में, आपको सबको पता है, अल्लाह ताला ने हमें बड़ा हमारे मेहरबानी की है, जो लैंड के इशू थे वो 80% लैंड अब हमारे पास है। आप जहाँ पे खड़े हैं, मेरे पीछे भी सेक्टर डी और दूसरे सेक्टर हैं, जहाँ तक आगे नज़र नहीं आ रहा वहाँ तक हमारे पास लैंड अवेलेबल है, और वहाँ पे काम शुरू हो चुका है, 80% लैंड इस वक्त हमारे पास अवेलेबल है। और जो आपको ये प्रोग्रेस नज़र आ रही है, काम की प्रोग्रेस, जो अर्थवर्क हम अचीव कर चुके हैं, ये पिछले 10 दिन की सिर्फ प्रोग्रेस है। टोटल मुझे बताया गया है कि 2000 से ज़्यादा हमारे पास हैवी मशीनरी काम कर रही है यहाँ हमारे प्रोजेक्ट पे, प्लस 2000, और सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में 500 से 600 मशीनरी इस वक्त काम कर रही है,
25% जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, वो इस वक्त हम शिफ्ट कर रहे हैं अपने इलेक्टर ब्लॉक में, ताकि जो डिले था या जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम थी उसको हम अजाला करें और आप लोगों के लिए और हमारे जो मेंबर्स हैं यहाँ के उनके लिए आसानी पता करें। तो एक लिहाज से जो इलेक्टर ब्लॉक है उसकी बड़ी अहमियत भी है, इसकी प्लस पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं, मगर चंद एक प्लस पॉइंट जो शायद आपके इल्म में आपके ना हो, मैं वो वर्क गुजार करके फिर ब्रिगेडियर फलकशेर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उसकी प्लानिंग के बारे में आपको बताएं। देखिए, एक ही सड़क है मेन जो इस वक्त मिला रही है हमारे इंटरचेंज को जी टी रोड के साथ, और एग्जेक्टिव ब्लॉक जो है वो इसके ऊपर वाक़ है, जहाँ से गुजर के आते हैं वो एक्सेस वन हम कहते हैं उसको, वो एक मेन रोड है 180 फीट की जो इंटरचेंज को मिला रही है जी टी रोड के साथ। तो हमारा जो एग्जेक्टिव ब्लॉक है उसका जो फेज है वो इस लिंक रोड के ऊपर है। नंबर टू, आप हमारे मेरे लेफ्ट साइड पे बहुत बड़ी लेक है, ये हम यहाँ के करीब खड़े हैं, ये बहुत बड़ी एक लेक बनने जा रही है, ये इसके साथ है, आप यहाँ से भी आए हैं, ये हमारा लेक भी कमर्शियल था जिसकी सॉल्ट मैंने जिक्र किया। तो ये जो रोड है ये लिंक कर रही है इंटरचेंज को जी टी रोड के साथ। तो ये जो रोड है इसके ऊपर रश बहुत होगा, क्योंकि हमारा जो मेन कमर्शियल है जी रोड पे वो भी काफ़ी जल्दी हम उसको अनाउंस करने वाले हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अभी इस वक्त ट्रैफिक होती है, तो लोग काफ़ी सारे जो हैं इस रोड से गुजर के जो जाया करेंगे प्राइम में और आगे जो हमारे बाकी सेक्टर्स हैं, तो इस पर काफ़ी रश होगा, इसलिए काफ़ी अहम है ये जो लोकेशन है इस इलेक्ट्रो सेक्टर की। और जो लेक भी है और जो सबसे बड़ा कमर्शियल हब है हमारा कमर्शियल सेंटर, वो भी एग्जेक्टिव ब्लॉक जिसको हम ये लेक व्यू कमर्शियल कहते हैं, ये हब बनने जा रहा है, ये मेन हब होगा, यहाँ हमारा कमर्शियल एक्टिविटी भी होंगी, ऑफिस भी खुलेंगे और बहुत सी एक्टिविटी और भी होंगी इंशाल्लाह। तो ये सारा कुछ पहले जो है एग्जेक्टिव ब्लॉक में आ रहा है, तो इस लिहाज से जो डिले हुई है उसके बेनिफिट्स भी हैं इस सेक्टर को। तो मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूँगा कि ये जो इसके बेनिफिट्स हैं वो भी मेम्बर तक पहुँचाएँ, इनकी जो भी वीडियोज़ वगैरह आप शेयर करते हैं लोगों से वहाँ तक पहुँचाएँ। और मैं आपसे ये दोबारा प्रॉमिस करता हूँ, इंशाल्लाह जब दोबारा आप यहाँ तशरीफ लाएंगे किसी भी और छोटे बड़े इवेंट के लिए, तो आपको एग्जेक्टिव ब्लॉक की बहुत सी रोड पे एस्फाल्ट भी नज़र आएगी, वॉकवे बने हुए नज़र आएंगे, और बहुत से लोग घर भी बनाना शुरू कर रहे हैं, लोगों ने ऑलमोस्ट 70 लोगों ने हमें अप्लाई किया हुआ है यहाँ पर घर बनाने के लिए, इंशाल्लाह आपको वो घर भी बनते हुए नज़र आएंगे। आपसे दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, और मैं आप सबका दोबारा मशहूर हूँ कि आप तशरीफ लाए और आपने यहाँ की जो प्रोग्रेस है उसको देखा, उसको पसंद किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अपना इस का जो मुतमिन होने का इजहार भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।